अलैक्म दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर कर्फ्यू चल रहा है, उसी के अंदर जो है 12 कुवैती और 8 एक्सपर्ट को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 30 लोग हैं और ये कर्फ्यू की खिलाफ अर्जी कर रहे थे। और इनको जो है जिस एरिया में गिरफ़्तार किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी उस एरिया में रहें तो अपना सावधानी बरतें। 3 लोगों को कैपिटल में किया गया, 3 लोगों को हवाली में किया गया, जहरा में 9 लोगों को, फरवानिया में 3 लोगों को, अहमदी में 12 लोगों को, इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगह पर जो है ये कर्फ्यू खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। पिछले 24 घंटे के अंदर ICU में जो टोटल केसेज हो चुके हैं वो 167 हैं और एक्टिव अभी भी केसेज जो हैं वो 12,559 हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 124 लोगों की। रिकवरी जो हुई है 204 लोगों की हुई है, जो क्या इलाज करने के बाद में वो अपने घर पर वापस जा चुके हैं। टोटल रिकवरी 4,885 हो चुकी है। नए केसेस जो आए पिछले 24 घंटे के अंदर वो आए हैं 804 केसेज आए। टोटल जो केसेज हो चुके हैं वो हो चुके हैं 17,568, ये टोटल केसेस हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं किस कंट्री के कितने पर्सन हैं, और ताकि आप भी अगर किसी कंट्री से रहते हैं तो आपको भी मालूम हो जाए कि भाई हमारे कंट्री कितने हैं और किस एरिया में कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया के जो हैं 261 लोग हैं, कुवैत के 170 लोग हैं, 140 लोग जो हैं मिस्र के हैं, 67 लोग बांग्लादेश के हैं और अदर कंट्रियों के एक एक दो दो हैं, इस तरह से हैं। अब बात कर लेते हैं एरिया की, तो सबसे पहला एरिया आता है फरवानिया। फरवानिया में जो पाए गए वो 339 लोग पाए गए हैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव, और 207 पाए गए अहमदी में, 126 पाए गए हवाली में और 86 पाए गए जहरा में, 46 पाए गए हैं कैपिटल में। ये लोग जो है इन एरिया में पाए गए हैं। अब अगर आप भी किसी भी एरिया में रहते हैं तो आप भी सावधानी बरतिएगा, और कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कीजिएगा और लोगों से दूरी बना कर रखिएगा, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से सेव रह सकें। और ग्लव्स मास्क वगैरह ज़रूर पहन के जाइएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।